नमस्कार, आइए हम जानते हैं कि सन साइन चैनोमेटिक बैलेंस में रीडिंग कैसे की जाती है। इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको बताया था कि बैलेंस को इंस्टॉल या सेट कैसे किया जाता है, और अब हम आपको बताएंगे कि इस बैलेंस के अंदर आप रीडिंग कैसे लेते हैं। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि रीडिंग लेने से पहले सारा कुछ बैलेंस का 0-0 होना चाहिए। क्या क्या 0-0 पर होना चाहिए? जैसे सबसे पहले ये आपका प्लम्ब लाइन कॉइनसाइड होना चाहिए। कॉइनसाइड का मतलब आपस के अंदर दोनों सिरे मिलने चाहिए, प्लम्ब लाइन और नीचे वाला सिरा जो है मिलना चाहिए। और ये जो आपका चैन डॉयल नॉब है, ये अगर 0 पर नहीं है तो इसको वापस 0 पर करना चाहिए। और यहाँ पर ये राइडर जो लटका हुआ है, अमूमन ये राइडर सिर्फ सन साइन बैलेंस में ही मिलता है और किसी बैलेंस में नहीं होता है। इस राइडर से हम आप 0 से 1 ग्राम तक का वेट लेते हैं, यहाँ 0 और 1 ग्राम तक का वेट ले सकते हैं। तो इस राइडर को हम 0 पर रखेंगे। उसके बाद हम बैलेंस को इस ऑपरेटिंग नॉब की सहायता से देखेंगे कि बैलेंस 0-0 पर है कि नहीं। इसके लिए हम इस ऑपरेटिंग नॉब को एंटी क्लॉकवाइज मीन्स एंटी क्लॉकवाइज से दशा में ये जो है ऑपरेट होगा, और क्लॉक वाइज करेंगे तो ये बंद होगा। तो अब एंटी क्लॉक वाइज इसको ऑपरेट करेंगे और देखेंगे कि मेरा निडिल 0 पे है कि नहीं। अभी देखिए, निडिल आपका मेरे जो है लेफ्ट साइड को मूव कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस राइट मेरे राइट साइड वाले एडजस्टमेंट स्क्रू को, ये एडजस्टमेंट स्क्रू है, ये वाला दोनों राइट और लेफ्ट में एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसको मैं जो है, अगर ये हमारा निडिल जो है लेफ्ट साइड को मेरे जा रहा है, तो इस वाले स्क्रू को हम थोड़ा सा टाइट करेंगे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। इसके लिए पहले इसको हम बंद करेंगे, इस ऑपरेटिंग नॉब को बंद करके, और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, और इसके बाद 0 देखेंगे कि बाद 0 की क्या पोजिशन है। देखिए, अभी बैलेंस आपका जो है 0-0 आ चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपको 0 एडजस्ट करना है, तो इस वाले एडजस्टमेंट स्क्रू से या इस वाले एडजस्टमेंट स्क्रू से आप एडजस्ट करोगे। इसके लिए आपको हमेशा ये, जब भी आप इसको मूव करना है, आपको इसको इस वाले ऑपरेटिंग नॉब को बंद करके करना है। ओके, तो अभी बैलेंस आपका 0-0 हो चुका है। अब हम रीडिंग कैसे लेंगे इसके बारे में जानेंगे। पहले इसको हम बैलेंस को बंद करेंगे, क्लॉकवाइज ऐसा में करके बैलेंस को हम बंद करते हैं। बंद देखिए ऐसे होता है, ये अगर आप प्लेट आपका, ये जो आपका ये इसको प्लेट बोलते हैं, ये प्लेट अगर नीचे को आ रहा तो बैलेंस ऑपरेट हो रहा है, अगर ये ऊपर को जा रहा है तो बैलेंस बंद हो रहा है। तो बंद करेंगे, बंद करने के बाद मान लीजिए हम कोई मटेरियल वेट करना है, तो इस ये पेपर है, इस पेपर को हम पेन के लेफ्ट साइड के ऊपर रखेंगे। ये हमने लेफ्ट साइड के ऊपर रखा और हम इसको बैलेंस को ऑपरेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब इसको हमने ऑपरेट किया, अब देखिए निडिल जो है आपका मेरे राइट साइड की तरफ जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ चैन से वेट लगेंगे, अगर चैन से वेट नहीं हो पाता तब हम राइडर के ऊपर जाएंगे, नहीं तो पहले हम चैन से वेट करेंगे। चैन हमारा 0 से 100 मिलीग्राम तक का वेट करता है। ठीक है, अब देखिए हम चैन को मूव करते हैं, चैन को मूव कर रहे हैं हम, इसमें आप देख रहे हो 0 से 1 और जैसे 10 से 20, इसके अंदर 10 डिवीजन होते हैं, जस्ट लाइक बर्नियर के हिसाब से इसकी रीडिंग ली जाती है। तो हम इसको मूव करते रहेंगे, जैसे मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर निडिल भी देखते रहेंगे, निडिल मूव करके 0 पे आ रहा है कि नहीं, इसको हम हल्का मूव करते रहेंगे, जब तक कि मूव करना है, जब तक कि ये निडिल जो हमारा 0 बना आ जाए। तो देखिए हम करते जा रहे हैं, अब देखिए थोड़ा ये आना शुरू हुआ है, थोड़ा आना शुरू हुआ है। अभी देखिए 55, ये 55 पे आ गया, 55, 56, 57, 58। ठीक है, अभी देखिए ये क्या हुआ, 58 और 59 के बीच में आगे रुक गया, और यहाँ पे हमारा जो है 0 कॉइनसाइड हो गया, ये 0 मेरा कॉइनसाइड हो गया।
मतलब 58 और 59 के बीच में हमारा ये रुक गया। तो अब इसकी रीडिंग क्या होगी? रीडिंग होगी इसकी, अब रीडिंग ये चूँकि ये ग्राम के बाद फोर्थ प्लेस का है, तो सबसे पहले ये रीडिंग होगी हमारी, देखिए 0.0, ये वाला जो जीरो है पॉइंट के बाद वाला जीरो है, मैं यहाँ का काउंट करेंगे, राइडर का जीरो है, ठीक है। उसके बाद ये आ रहा 58.58 हो गया, राइडर का जीरो, ये पॉइंट के बाद राइडर का जीरो हो गया 0.58। अब ये चूंकि फोर्थ प्लेस का रीडिंग देता है, तो आप कहोगे आप फोर्थ प्लेस कहाँ से आएगा, तो आप देखोगे कि इस वर्नियर का कौन सा वाला डिवीजन इस वाले वक्त डिवीजन से मैच कर रहा है। तो जैसे आप देखिए इसमें ये जीरो के बाद आपका दूसरा वाला डिवीजन जो है, दूसरा डिवीजन जो है इसका, ये जीरो के बाद दूसरा वाला डिवीजन, सॉरी एक दो, हाँ दूसरा वाला डिवीजन मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे टू लिख देंगे, ये लिख देंगे टू। तो ये हमारी रीडिंग हो गई 0.0582। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ से हम थर्ड पॉइंट के बाद जो है ये आपका सेकेंड थर्ड और फोर्थ प्लेस का यहाँ से लेंगे, सेकेंड थर्ड और फोर्थ प्लेस का रीडिंग यहाँ से लेंगे और फर्स्ट प्लेस का रीडिंग यहाँ से हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो आपकी रीडिंग हो गई, ये रीडिंग हो गई आपकी राइडर की, राइडर का पोजीशन बताता है, ये वाला दोनों रीडिंग हो गया, ये दोनों जो है ये आपका डायल का रीडिंग है, डायल रीडिंग है, और ये वाला जो है आपका ये वार्नियर का रीडिंग है, ये वार्नियर का रीडिंग है। इस तरीके से हम बैलेंस में हम वेट करेंगे। कहने का मतलब इस बैलेंस के ऊपर हम आप 1100 मिलीग्राम तक वेट बिना कोई वेट दिए हम यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसमें वेट ऐड करना पड़ेगा। तो वेट आप हमेशा जो है राइट पैन पे आप ऐड करेंगे। मान लीजिए अगर इसका वजन 1 ग्राम से ऊपर, तो 1 ग्राम रखेंगे, 2 ग्राम, 3 ग्राम, मतलब कि 1100 मिलीग्राम से ऊपर आपको जो भी वेट करना है वो वेट आपको यहाँ पे रख के ऐड करना पड़ेगा। और 1100 मिलीग्राम तक का वेट करने के लिए आपको कोई वेट रखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।